11 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आज सुबह की 3 राजनीतिक पार्टियां राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रही हैं। लखनऊ से दिल्ली तक आज बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी प्रीति महापात्रा ने यूपी के सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है और अब कहीं ना कहीं डर सता रहा है सभी पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का। तो यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और थोड़ी देर में लखनऊ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा होगी। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे। विधानसभा में कांग्रेस के 29 विधायक हैं जबकि कपिल सिब्बल को जीत के लिए 34 वोट चाहिए। तो जिस तरह से ये बैठकें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अब ये कोशिशें हो रही हैं कि जिस पार्टी से नाराज कोई विधायक अगर हैं तो उनको अपने पाले में लाया जाए और रास्ता साफ कर लिया जाए क्योंकि सीधे तौर पर डर है क्रॉस वोटिंग का। कहीं ऐसा ना हो जिन जिन उम्मीदवारों को एक तरह से श्योर समझा जा रहा हो, पक्का जिनको समझा जा रहा हो राज्यसभा के लिए, उनको लेकर ही कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। ये डर जरूर राजनीतिक पार्टियों को सता रहा है, इसीलिए ये बैठकों का दौर भी है। कांग्रेस की हम बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, ये सभी पार्टियां अब कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करने में लगी हैं ताकि उनका कैंडिडेट पीछे ना हो जाए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो बताया जा रहा है लखनऊ में थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ है। अवनीश, क्या रणनीति कांग्रेस बनाने जा रही है? नहीं, कांग्रेस की संख्या 29 है और करीब राज्यसभा में जिताने के लिए उसे 33 की आवश्यकता है और इसके अलावा जो 29 की संख्या है विधान परिषद के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन राज्यसभा में उसे कुछ और वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा मतदान के लिए। और ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, साथ ही पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के सभी विधायकों को एकजुट रखने की, क्योंकि कुछ विधायकों ने यह बात उठाई थी कि प्रत्याशी जो राज्यसभा के हैं वो बाहर से क्यों लाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से ही किसी को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए पार्टी रणनीति बना रही है। बैठक इस वक्त विधानमंडल दल के कार्यालय में शुरू हो चुकी है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं, जैसे प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, तमाम और भी नेता, कपिल सिब्बल जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के वो शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे। चलिए अवनीश, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठक शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। तो इधर लखनऊ में कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है तो दिल्ली में भी आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की एक अहम बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह ने विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आरएलडी राज्यसभा चुनाव पर अपनी रणनीति तय करेगी। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत सिंह समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी संपर्क में है। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में आरएलडी का सहयोग चाहती है। तो कांग्रेस के पास यूपी में 29 विधायक हैं और कपिल सिब्बल को राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 34 वोट चाहिए और ऐसे में अजीत सिंह की अहमियत बढ़ गई है। अनुराग चड्ढा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी कहीं ना कहीं अजीत सिंह ने बातचीत की थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कि गठबंधन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब क्या कहें कि सियासी समीकरण दरअसल इस तरीके से बन गए हैं प्रीति महापात्रा के आने के बाद कि एक मजबूरी हो गई है कि बातचीत की जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो उम्मीदें कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस की हैं वो पूरी ना हो पाए। जी बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है और उन्हीं उम्मीदों को लेकर जो तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से आरएलडी को सभी ने दरकिनार कर दिया था पिछले दिनों और न तो भाजपा ने उसके साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गले मिलते मिलते रह गई, कांग्रेस से तो उनका जो मोह है वो पहले ही भंग हो चुका था। 2012 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें आरएलडी को उतने अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिले थे। अब उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि अजीत सिंह पर एक बार फिर से दौरे डालने की तैयारी लोग कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि कपिल सिब्बल जो चुनाव है वो राज्यसभा का जीत जाए तो उसके लिए आरएलडी के साथ की जरूरत है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी अजीत सिंह से कह चुकी है कि राज्यसभा के लिए आपसे कोई बातचीत हो ही नहीं थी, अगर भविष्य में हमारे साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं तो
सपा के साथ आई है और जो सपा को कुछ वोटों की जरूरत पड़ रही है उसमें सपा का साथ दीजिए। और उन्हीं आशंकाओं के चलते हुए अजीत सिंह ने दिल्ली में अपने घर पर मीटिंग बुलाई है तमाम विधायकों की। 8 इनके विधायक हैं तो वो भी नाराज हैं। उनमें से कुछ विधायक 3-4 विधायक कहते हैं जो सपा से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में अजीत सबसे पहले अपने विधायकों को मन लेना चाहता है कि आखिर उनका मन क्या है, वो अजीत सिंह का कहना मानेंगे या फिर वो अपने मन से वोट देंगे। जब उनके मन की बात अजीत सिंह समझ लेंगे तभी वो किसी पार्टी से बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे। चलिए अनुराग आपसे अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठकों का दौर ये जारी है और कब देखना होगा कि किसकी रणनीति सटीक बैठती है ताकि जो क्रॉस वोटिंग का डर है वो कम से कम दूर हो सके। स्थितियां क्या हैं ये तो 11 जून को ही साफ हो पाएगा। इस बीच लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की भी बैठक हो रही है। ये बैठक शाम 6 बजे समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। समाजवादी पार्टी की इस बैठक में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अपने 7 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में आज शाम होने वाली बैठक को बेहद अहम समझा जा रहा है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ है। अवनीश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं जो वोटों की जरूरत आन पड़ी है, समाजवादी पार्टी की भी हम अगर बात करें कि जो एक जरूरत है वो कैसे उसको पूरा करेगी, क्या बाकी दलों से जो एक तरह से नाराज विधायक हैं उनको अपने खेमे में लेकर आएंगे, क्या कुछ समझा जा रहा है, किस तरह की प्लानिंग चल रही है? देखिए, पार्टी की जो आवश्यकता है खासतौर पर विधान परिषद में उसने 8 उम्मीदवार उतारे हैं, राज्यसभा के लिए उसने 7 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कुछ मतों के अतिरिक्त आवश्यकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि पार्टी ने उसका इंतजाम कर लिया है। जो निर्दलीय विधायक हैं कुछ छोटे दलों के साथ उनकी बातचीत हो गई है तो अतिरिक्त मत मिल ही जाएंगे। और कुछ ज्यादा मतों की बात भी वो कर रहे हैं, दूसरी पोलिटिकल पार्टी से कुछ विधायक उनके संपर्क में है। पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कुछ खास रणनीति बनाई, इसमें 10 मंत्रियों को सेक्टर प्रभारी बनाया गया, अलग अलग विधायकों को कोटा उनका कोटा उनको दिया गया है जो उनको मैनेज करेंगे। शाम 7 बजे जो है मुलायम सिंह यादव जो विधायकों की बैठक लेंगे और 6 बजे विधानमंडल दल की बैठक जो है समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बुलाई गई है। चलिए, अपनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरीके से कहें कि कोशिश पूरी है लुभा लेने की कि किसी की कोई नाराजगी ना रहे। और जिस तरह से बता रहे हैं अवनीश कि अब शाम को ये बैठक होगी जो काफी अहम माना जा रहा है और इसमें क्या निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर होगी।